शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर जी हमारे साथ हैं। आपको बता दें कि करीब करीब 34,000 जो चिन्हित किए गए हैं घुमंतू परिवारों के लिए, मदन दिलावर जी ने एक सौगात लाने की बात करी है। जानेंगे उन्हीं से भाई साहब, घुमंतू परिवारों को निःशुल्क पट्टा देने की आपने बात कही है, किस प्रकार से कर पाएंगे और क्या कुछ योजनाएँ आगे भविष्य में घुमंतू परिवारों के लिए लाएंगे? देखो, ये सभी घुमंतू परिवार वह हैं जिन्होंने हमारी देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब अंग्रेज और मुगलों का शासन था तब हमारे क्रांतिकारियों को तंग करते थे ये लोग, क्रांतिकारियों को धन की जरूरत भी रहती थी। तब ये वही लोग थे जो उनके खजाने को लूट करके हमारे देशभक्तों को पहुंचाते थे, क्रांतिकारियों तक पहुंचाते थे और अपना परिवार भी चलाते थे। और ये बहुत बहादुर कौम है, लेकिन हम सब ने इनके पराक्रम को, इनकी बहादुरी को और देश को आज़ाद कराने में जो सहयोग रहा उनका, उनको भुला दिया। तो जनरेशन जो जो बदली, उनको लगा कि शायद हमारा यही काम होगा और इसके कारण से ये कमज़ोर हो गए, अनपढ़ रह गए, आर्थिक दृष्टि से भी काफ़ी कमज़ोर रहे। अब आवश्यकता इस बात की कि हम सब लोग इनके आसान को समझें कि हम जो आज़ादी की सांस ले रहे हैं उनमें इन जातियों का भी महत्वपूर्ण योगदान था, लेकिन इसको भुला दिया गया। अब माननीय भजन लाल जी शर्मा जो मुख्यमंत्री जी हैं राजस्थान के, उनके नेतृत्व में ये तय किया है कि हम ऐसे सभी घुमंतू परिवारों को निःशुल्क आवासीय भूखंड उपलब्ध करवाएंगे। 34,000 को तो आपने चिन्हित कर लिया, लेकिन घुमंतू क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है वो घूमते रहते हैं, तो क्या एक क्राइटेरिया आपने डिसाइड करा कि इन्हें प्लॉट देकर इन्हें स्थायी किया जाए, वो क्या क्राइटेरिया था? क्राइटेरिया ये है कि सबसे पहले तो इनका पहचान पत्र बनाएंगे और उसके बाद जहाँ जहाँ ये बैठे हुए हैं यदि वहाँ किसी को आपत्ति नहीं है, प्रतिबंधित ज़मीन नहीं है आवासीय भूखंड देने के लिए, तो वहाँ देंगे। और यदि यहाँ प्रतिबंधित है, जैसे माना चरागाह है, तो 1985 के पहले के लोग बैठे हुए हैं उनको वहीं पट्टा दे देंगे, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि वह पट्टा नहीं दे सकते, तो उतनी ही ज़मीन हम अन्य किस्म की चरागाह में परिवर्तित करेंगे ताकि उसका कोटा पूरा हो जाए, वहाँ पट्टा दिया जा सके। शेष को हम उचित जगह दे करके जहाँ ठीक प्रकार से रह सके, जहाँ सरकारी ज़मीन हो वहाँ पट्टा दें। एक तरफ तो बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर करने की बात की जा रही है, तो आपके इस घुमंतू वाली योजना में कहीं वो तो नहीं घुसेंगे? रोहिंग्या देशभक्त नहीं थे और रोहिंग्या को इसमें आ ही नहीं सकते क्योंकि इसका प्रमाण पत्र तहसीलदार देंगे और वो खुद अपनी जानकारियां भरेंगे, उसकी पुष्टि तहसीलदार करेंगे, उनके समाज से लोगों से करेंगे, उनकी जाति के लोगों से करेंगे और उसके बाद पुष्टि हो जाएगी उसके पास, उनको पहचान पत्र दिया जाएगा। इसमें आदिवासी विवाद भी आएगा, आदिवासी हिंदू हैं नहीं हैं, क्योंकि अभी 5-7 दिन पहले उदयपुर में भी कुछ आदिवासियों ने कहा है कि हम हिंदू हैं। देखो, अभी ये अभी मैं घुमंतू की बात कर रहा हूँ, मैं और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं घुमंतू जो जातियाँ हैं लगभग सारे हिंदू हैं, सब हिंदू हैं, कालबेलिया नाग देवता की पूजा करते हैं, ऐसे अनेक हिंदू हैं। अब बंजारा है, बंजारा हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने का काम करते थे बेचारे, यदि वह नहीं होते तो उस काल में हमारे पास खाद्यान्न भी ठीक प्रकार से नहीं पहुंच पाता। बस एक आखिरी सवाल है, आपका विरोध बहुत देखा जा रहा है विधानसभा के अंदर भी, बाहर भी, सड़क पे भी, और जोधपुर में भी एक घटना हुई है, शिक्षक संघ जो वहाँ का है उसने आपके खिलाफ पोस्टर भी करे, तो इन दोनों नहीं है, ऐसे ऐसे शिक्षक हैं जो बेईमान है, स्कूल नहीं जाते हैं और नेतागिरी करते हैं और चोरी छुपे उन्होंने जो शिक्षक सम्मान समारोह रहा उस पर अपने नाम लिखवा लिए हैं। अब कैसे लिखवाए, क्या लिखवाए, इसकी जांच कर रहे हैं, लेकिन हमको निरस्त कर दिया था इसलिए अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। ये शिक्षा विभाग है, अब यहाँ चोर उचक्के भ्रष्टाचारियों की चलने वाली नहीं। विपक्ष आपको असामाजिक तत्व, हर असामाजिक तत्वों को सभी असामाजिक तत्व लगते हैं। ये थे हमारे साथ शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि घुमंतू जाति जो अभी तक उपेक्षित थी उसको अब स्थायी करने का
भजन लाल सरकार ने एक निर्णय लिया है, 34,000 घुमंतू परिवारों को चिन्हित कर दिया गया है और उनको निशुल्क पट्टे दिए जाएंगे, और भी जो कई परिवार हैं जिन्हें चिन्हित नहीं किया गया उन्हें चिन्हित किया जाएगा। रोहिंग्या कहीं इसके अंदर नहीं आ जाएंगे? उस सवाल के जवाब में मदन दिलावर जी ने कहा, रोहिंग्या मुसलमान हिंदू की श्रेणी में आते ही नहीं है और वो इस सूची में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया तय किया गया है इन परिवारों को चिन्हित करने का। विपक्ष हो या अन्य लोग हों जो इन मदन दिलावर की बुराई करते हैं, इनका विरोध करते हैं, उनके बारे में इन्होंने कहा कि जो जैसा होता है उसको हर कोई व्यक्ति वैसा ही लगता है, अगर कोई मेरे को असामाजिक कह रहा है तो वो खुद असामाजिक होगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।